मनारा चोपड़ा के ऊपर लोग भड़क रहे हैं भाई। ये तो भड़कना बनता भी है। जब मुझे भी इसके बारे में पता चला, तब चाहे कितना भी कोई हमें पसंद हो, चाहे मुझे पसंद हो, पर अगर वो गलत कर रहा है तो मैं यही बात बोलूंगी ना कि भाई मनारा चोपड़ा को भी जो है ये सब चीजें देख वेख के करनी चाहिए। बिकॉज मनारा चोपड़ा बहुत बड़ा नाम है, मनारा को बहुत सारे लोग प्यार करते हैं, और मनारा की एक बात जो है कुछ लोगों के लिए बहुत ही पत्थर की लकीर बन जाती है। तो मनारा उन लोगों को बचाने के लिए कुछ भी चीजें कर सकती है, ना कि उन लोगों को जो है बर्बाद करने के लिए कुछ चीजें करे। अब मनारा ने जो है काफी सारी प्रमोशंस वगैरह होती रहती है। अब मनारा ने एक वीडियो डाली है जहां पर वो इन्वेस्ट करने के लिए बोल रही है कि अगर आपको अपना पैसा जो है बढ़ाना है तो धनश्री वर्मा जो है उनको आप मैसेज कर सकते हैं, उनको आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, जाओ अपना पैसा जो है जाके डबल करो। तो ये सब चीजें जो है हो रही हैं, जिसके बाद जो है लोग बहुत ज्यादा भड़क रहे हैं। और कुछ जैसे कि मुनव्वर फारूकी के भी फैंस हैं, उन्होंने भी जो है इसकी सच्चाई सामने निकाल के रख दी है। उन्होंने बोला कि ये धनश्री वर्मा जिसका एक्चुअली में ये प्रमोशन कर रही है मनारा चोपड़ा, तो मनारा चोपड़ा को एक्चुअली में इसके बारे में पता होना चाहिए। पहली बात तो ये है कि ये फेक अकाउंट है और ये इनोसेंट लोगों से पैसा लेके जो है उनके साथ धोखा करती है। तो ये सब चीजें मनारा को पता होना चाहिए कि आखिरकार इनोसेंट लोगों के साथ पैसा लेके ये ऐसी चीजें करती है, तो मनारा जो है ऐसे लोगों को प्रमोट कर रही है। तो मनारा चोपड़ा को ऐसा नहीं करना चाहिए। तो सही बात है गाइज, मनारा चोपड़ा को ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मनारा को बहुत लोग बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला कि कुछ लोगों के लिए जो है मनारा की, मुनावर की, एल्विश की, मनीषा की बातें जो ना पत्थर की लकीर होती हैं। अगर उनका आइडल उनको कुछ बोल दे ना, तो उनको बस ऐसा लगता है कि भाई उसने हमें बोला है तो ये 100% सही है, और इसीलिए वो इन्वेस्ट करते हैं, वो डाउनलोड्स करते हैं, वो चीजें करते हैं जो उनके आइडल्स बोलते हैं, पर उसके बाद वो धोखा खाते हैं। तो ऐसे इनोसेंट लोगों को एटलीस्ट मनारा को बचाना चाहिए, ना कि उस कुएं में डालना चाहिए। तो अगर आप भी मनारा के फैन हैं तो मनारा की बातों पे भाई इस बात पे पत्थर के ऊपर लकीर मत डाल देना, अपना दिमाग भी इस्तेमाल करना। पैसा ऐसे ही कहीं से डबल होके नहीं आता है, तो आप कहीं और जाइए, अपनी मेहनत कीजिए, वहीं से आपको पैसा जितना मिलेगा ऊपर वाला आपकी किस्मत में उतना ही रखा हुआ है, चाहे करोड़ों हो, चाहे 10,000 हो, चाहे 1,000 हो। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत। नमस्कार।